हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैग्नेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है सैटरडे को हम लोग थोड़ी पढ़ते हैं और दोस्तों एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन है और बाकी दोस्तों आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे आप लोगों का लेट्स क्रैक साइंस होती है जहां पर साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला हम लोग करते हैं डेली सुबह दस बजे इस क्लास के माध्यम से क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के साइंस के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे ठीक है दोस्तों बफरिंग आ, कुछ लोग बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए दोस्तों अब क्लियर है ठीक है आई होप अब ठीक होगा ठीक है चलिए दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन सभी आप लोग जुड़ जाइए और इससे पहले हम लोग पहले डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है आपको पता है दोस्तों साइंस में तीन मेजर चीज है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और चौथा आपका इन्वायरमेंट भी तो केमिस्ट्री में जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ने में आप लोगों को बताता हूं सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है मैटर जिसे आप लोग हिंदी में द्रव्य या आप लोग पदार्थ इसे बोल सकते हैं इसके बाद में दोस्तों एटम एंड मॉलिक्यूल इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का वर्गीकरण इसी में आप लोगों का पीरियोडिक टेबल आप लोगों का डोबेराइनर का त्रिक नियम न्यूलैंड का अष्टक नियम सब आप लोगों का इसी के अंदर आता है फिर इसके बाद में दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग फिर बाद में केमिकल रिएक्शन फिर मेटल नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर हम लोग आपका लास्ट में डेली लाइफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये आप लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस है चलिए दोस्तों हम लोग टॉपिक नंबर वन चैप्टर नंबर वन मैटर आप लोगों का शुरू करने जा रहे हैं तो सभी आप लोग जुड़ जाइए आप सभी को दोस्तों गुड मॉर्निंग चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों मैटर यानी पदार्थ क्या होता है बताइए तो मैटर पदार्थ क्या है आप लोग अगर समझते हैं जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बाकी मैं आपको बताता हूं दोस्तों इस यूनिवर्स में इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज किसकी बनी हुई है मैटर की बनी हुई है पदार्थ की बनी हुई है यानी मैं आप लोगों को बोल सकता हूं जो मैटर है ना वो एक मटेरियल ऐसा मटेरियल जिससे आप लोगों का यूनिवर्स में सब कुछ बना हुआ है तो द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिससे बनी हुई है ना उसे आप लोग बोलोगे मैटर यानी पदार्थ जैसे दोस्तों बात करते हैं इस पेन की ये पेन जिसका बना हुआ है उसे आप लोग क्या बोलोगे मैटर जैसे अगर मैं बात करूं इस रिमोट की ये रिमोट किसका बना हुआ है उसे आप लोग बोलोगे मैटर यानी पदार्थ अब दोस्तों क्या मैटर की कोई दूसरी डेफिनेशन भी है क्या कोई दूसरी परिभाषा है क्या बिल्कुल दोस्तों इसके सेकेंड डेफिनेशन क्या है मैटर आप लोग किसको बोलोगे एनीथिंग उस सब को आप लोग मैटर यानी पदार्थ बोलोगे डेट ऑक्यूपाइड स्पेस जो कुछ जगह घेरता है एंड हैज है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है जैसे आप लोग मुझे बताइए क्या मैं इसको मैटर बोल सकता हूं क्या पदार्थ बोल सकता हूं क्या क्या इसका कोई द्रव्यमान है क्या बिल्कुल सर है 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम कुछ तो होगा बिल्कुल दोस्तों क्या ये कुछ जगह भी घेर रहा है क्या जैसे आप मुझे बताइए अगर मैंने हाथ पे इस पेन को रख दिया तो इसने क्या कुछ जगह घेर ली क्या बिल्कुल क्योंकि अगर ये पेन नहीं होता तो मैं अपने हाथ पे कुछ और रख सकता था लेकिन अब नहीं रख पा रहा हूं इसका कारण क्या है क्योंकि इस पेन ने वो जगह घेर ली है I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैटर किसको बोलोगे कि सर जिसका कुछ मास हो द्रव्यमान हो पहली चीज और जो कुछ जगह घेरे दोस्तों कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसका वॉल्यूम यानी आयतन तो बेसिकली आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो सर अगर किसी में मास हो किसी का कुछ द्रव्यमान हो पहली इंपॉर्टेंट चीज दूसरी अगर किसी का कुछ वॉल्यूम हो कुछ आयतन हो तो आप लोग बोलोगे कि सर वो क्या है मैटर है वो क्या है पदार्थ है। समझ में आ गई बात को जैसे मैं आप लोग हाँ एक चीज और आप लोगों का कि सर मास यानी द्रव्यमान किसको बोलते हैं जैसे आपने सुना होगा कि सर इसका द्रव्यमान है दस ग्राम सर एक बार यूपी ना क्वेश्चन सीरीज एक बार सब्जेक्ट वाइज और प्रॉमिस निभाता नहीं एक लड़का है दोस्तों बिक्की भारत जी बोल रहे हैं कि सर एक बार आप क्या कराते हो एक बार क्या दोस्तों जो मैंने अनाउंस किया था मैं आपको वही करा रहा हूं मंडे टू फ्राइडे डेली आप लोगों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है और सैटरडे को मैंने आपको बताया था एक क्लास में एक चैप्टर कराऊंगा तो बायोलॉजी का एक चैप्टर हो, चुक, हो चुका है फिजिक्स का एक हो चुका है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन है एक्चुअली में आप लोग तमिल पे देख रहे होंगे क्लास नंबर वन चैप्टर नंबर वन वो केमिस्ट्री की है समझ में आ गई दोस्तों बिक्की भारत जी आ जाइए स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं कि सर सबसे पहले मुझे ये बताइए द्रव्यमान क्या होता है ये भी कुछ मैंने सुना हुआ है जैसे आपने सुना होगा इसका द्रव्यमान दस ग्राम है दोस्तों किसी का द्रव्यमान पचास ग्राम है किसी का सौ ग्राम है किसी का दो किलो है किसी का चार किलो है तो सर ये मास यानी द्रव्यमान क्या होता है जैसे आप लोग मुझे बताइए जैसे मेरे हाथ में दो चीजें ठीक है एक दोस्तों ये पेन मेरे राइट हैंड में जो है वो पेन है और मेरे जो लेफ्ट हैंड में है वो एक रिमोट है मान लीजिए दोस्तों इस रिमोट का जो द्रव्यमान है ना वो मान लीजिए कितना है दो सौ ग्राम है ठीक है और मान लीजिए दोस्तों इस पेन का जो द्रव्यमान है वो है पचास ग्राम तो सर द्रव्यमान से मतलब क्या है दोस्तों द्रव्यमान बेसिकली क्या बताता है मैटर की मात्रा पदार्थ की मात्रा तो अगर इसका पचास ग्राम है इसका दो सौ ग्राम है, इसका ज्यादा है इसका मतलब इसमें मैटर ज्यादा है इसमें पदार्थ ज्यादा है ठीक है और इसका द्रव्यमान कम है इसका मतलब क्या है इस

उसका वॉल्यूम उस दूध का आयतन कितना था दो लीटर था तो बात है दोस्तों ये दो लीटर क्या है ये जगह ज्यादा घेरेगा ये जगह कम घेरेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु कितनी जगह घेर रही है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसे आप लोग क्या बोलोगे उसका वॉल्यूम बोलोगे यानी आयतन बोलोगे क्लियर है क्या सर सीबीटी वन का सेफ स्कोर कितना होगा अरे भैया पहले एग्जाम तो दो जब आप लोगों का एग्जाम होगा तभी तो पता पड़ेगा एग्जाम हार्ड आ रहा है ये सिंपल आ रहा है तभी तो आप कट ऑफ बता पाओगे पहले ही आप कट ऑफ पे पहुंच गए क्या पढ़ाई करते नहीं हो सर कट ऑफ बता दो सर पीडीएफ का मिलेगी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी क्लास के बाद में ठीक है क्या स्टार्ट करें चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग समझते हैं कि सर चलो मुझे समझ में आ गया मैटर होता क्या है तो मैटर के सर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों क्या पानी एक मैटर है क्या पदार्थ है क्या बिल्कुल सर इसका भी कुछ द्रव्यमान होता है भाई जैसे पानी की मात्रा कम होगी तो उसका द्रव्यमान कम होगा दस ग्राम सौ ग्राम इसका भी कुछ आयतन होता है तो पानी जो है वो क्या है एक मैटर है पदार्थ है सिमिलरली दोस्तों एयर भी एक मैटर है ठीक है सॉइल मिट्टी भी एक मैटर है दोस्तों गोल्ड भी एक मेटल है जैसे मान लो गोल्ड का आप लोगों ने छोटा सा टुकड़ा लिया तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा ना एक ग्राम दो ग्राम बीस ग्राम सौ ग्राम और दोस्तों इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा कुछ आयतन भी होगा कुछ जगह भी घेरेगा तो ये भी क्या है एक मैटर है और एग्जाम्पल बताइए दोस्तों चेयर ये भी एक मैटर का एग्जाम्पल है दोस्तों बुक्स ये भी एक मैटर का एग्जाम्पल है तो कौन मैटर नहीं होते है? सर ऐसा तो लगता है हमको सभी कुछ मैटर है नहीं दोस्तों जैसे अगर आप लोगों को, को आपके पास में कोई एनर्जी है तो वो मैटर नहीं है ठीक है आ, जैसे दो प्रकाश जो है ना वो मैटर नहीं है वो एक पदार्थ नहीं है जैसे दोस्तों साउंड जो है ध्वनि जो है वो भी एक प्रकार की एनर्जी है वो मैटर नहीं है जो आपको थॉट आते हैं जो विचार आते हैं वो भी मैटर नहीं है दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आपको जो इमोशंस होती है जो आपकी फीलिंग होती है डर की फीलिंग गुस्से की फीलिंग प्यार की फीलिंग तो ये भी मैटर नहीं है और दोस्तों जो समय है ये भी मैटर नहीं है तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बता दी जो मैटर नहीं है क्लियर है क्या सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है साइंस बाय नीरज सर है क्लियर है देखो जी, जी कितनी बढ़िया बात बोल रहा है कि वो सब फालतू कमेंट्स पे लगे रहते हो क्लास को समझ समझते नहीं हो बस वही बात है कोई बच्चा पीडीएफ बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा ध्यान रखना फिर मैंने बोलना सर क्वेश्चन नहीं बना क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप लोग सीखोगे क्लियर है यस yes, बोलो आ जाओ चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर जो पदार्थ होता है ना आपको समझ में आ गया सब कुछ पदार्थ है ये भी पदार्थ है जो पानी है वो भी पदार्थ है तो दोस्तों जो पदार्थ होता है ना वो अलग अलग अवस्था में पाया जाता है ठीक है तो बात करें जैसे आपने देखा होगा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं आपने देखा होगा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड यानी तरल अवस्था में पाया जाता है कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो गैसे स्टेट में पाया जाता है दोस्तों तो पदार्थ की क्या केवल तीन ही अवस्था होती है क्या नहीं दोस्तों और अवस्थाएं और होती है जैसे एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा सर ये प्लाज्मा क्या होता है देखो मेरी बात चीज समझो अगर कोई ठोस है आपके पास में मान लो आपके पास में बर्फ का टुकड़ा है ये एक सॉलिड है ठोस है जब आप लोग इसको हीट दोगे जब आप लोग इसको गर्म करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसको और आप लोग गर्म करोगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा भाप बन जाएगी ना क्लियर है क्या तो जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो दोस्तों जो पदार्थ की अवस्था जो सॉलिड है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में और जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है गैस में दोस्तों जब आप लोग और बढ़ाओगे तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपके आइनाइज हो जाते हैं सर आइनाइज का मतलब क्या है दोस्तों इस को चार्ज आ जाता है आवेश हो जाता आ जाता है इस अवस्था को आप लोग बोलते हैं प्लाज्मा दोस्तों एक अवस्था और है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ठीक है तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा टोटल पांच अवस्थाएं की खोज हो चुकी है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि अभी तक टोटल कितनी अवस्थाओं की खोज हो चुकी है पांच हो चुकी है जनरली जो आप लोग देखते हो अपने सराउंडिंग में आपको तीन अवस्था में मिलेगा ठोस तरल गैस जैसे ये क्या है ठोस है जैसे पानी अगर आपके आसपास रखा होगा तो वो क्या है लिक्विड है यानी तरल है क्लियर है चलिए आ जाओ अब सर ये तो मुझे बताइए ठोस अवस्था तरल अवस्था गैसेज अवस्था इनमें अंतर क्या है दोस्तों अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो आप लोग कैसे पहचानेंगे सर अगर किसी का शेप यानी अगर किसी की आकृति फिक्स है पहली बात दूसरी बात अगर उसका कोई वॉल्यूम अगर उसका आयतन फिक्स है इसका मतलब वह कौन सी अवस्था है ठोस अवस्था है कैसे सर जैसे मुझे यह बताइए कि मेरे पास में पेन है ठोस अवस्था में है है ना या कोई भी आप लोग टुकड़ा लो, है ना कोई भी एक टुकड़ा मान लो ऐसा कोई टुकड़ा मान लो ये मान लो कोई ठोस अवस्था में आपके पास में कोई लकड़ी का टुकड़ा है दोस्तों इसकी कोई ना कोई लंबाई होगी इसकी कोई ना कोई चौड़ाई होगी इसकी कोई ना कोई हाइट होगी तो वॉल्यूम आयतन कैसे निकाल लोगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अब मुझे बताओ इस लकड़ी को टुकड़े को मैं यहां से ले, हटा के मान लीजिए सामने मेरे एक टेबल रखी है उस पर अगर मैं रख दूंगा तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी क्या क्या इसकी आकृति चेंज हो जाएगी क्या जैसा इधर है वैसा ही जब, जब मैं इधर रखूंगा तब होगा या मान लो इस लकड़ी के टुकड़े को अगर मैं किसी एक ग्लास में रख दू तो क्या इसकी आकृति चेंज हो जाएगी क्या नहीं सर इसकी आकृति तो वही रहेगी तो अगर आकृति वैसी रहेगी यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही रहेंगे तो कुल मिला सर इसका जो वॉल्यूम होगा ना वो फिक्स रहेगा इसका जो आयतन रहेगा वो नियत रहेगा तो आप लोग क्या बोल सकते हो जो सॉलिड स्टेट होता है ठोस अवस्था होता है ना अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो सर उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है और दूसरी बात उसका वॉल्यूम भी क्या होता है फिक्स होता है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो सॉलिड होते हैं ना इनके पास में टेंडेंसी होती है अपनी शेप को मेंटेन रखने की जैसे ये आपका ठोस है अगर इस पर थोड़ा सा आप लोग फोर्स लगाओगे ना तो इसकी शेप में चेंज नहीं होगा हाँ बहुत ज्यादा जब लगा दोगे तब इसकी शेप में चेंज हो जाएगा बाकी जो सॉलिड होते हैं ठोस उनकी शेप में चेंज नहीं होता है क्लियर है क्लियर है राइट बाय शिवम बोल रहा है सर कोर्स पर डिस्काउंट करो प्लीज नहीं होगा बस सुन लिया एक ही कमेंट करते जा रहा हो इतनी देर से पढ़ा रहा हूं मैं, मैं कोर्स पे डिस्काउंट ब्लॉक कर दूंगा ध्यान रखो क्योंकि पढ़ाई तो आप लोग कर नहीं रहे कोर्स लेके भी क्या करोगे आप है ना तो कोर्स जब लोगे ना तब भी आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो आप लोगों के लक्षण दिखने रहे इतनी देर से एक ही कमेंट कर रहे हो चलिए बात क्लियर है चलिए दोस्तों लिक्विड स्टेट की बात करें दोस्तों लिक्विड स्टेट में होता क्या है सर शेप तो फिक्स नहीं होती है जैसे आप मुझे बताइए आपके पास में पानी है पानी को आपने बोतल में डाल दिया तो उसका शेप कैसा हो गया जो बोतल की शेप है वो हो गया अगर मैं पानी को किसी ऐसे ग्लास में डालता तो पानी की शेप क्या होती जो सर इस ग्लास की शेप है वैसी हो जाती अगर मान लीजिए पानी को मैं एक बहुत बड़े बाउल यानी कटोरे में मैं डालू तो पानी की शेप कैसी हो जाएगी सर जैसी कटोरे की शेप है वैसे उसकी शेप हो जाएगी तो लिक्विड को जिस बर्तन में आप लोग डालते हो वो उसी की शेप ले लेता है तो उसकी शेप तो फिक्स है ही नहीं जिसमें डालोगे वैसी ले रहा है पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या दोस्तों वॉल्यूम फिक्स होता है क्या बिल्कुल जैसे मान लो आपके पास में क्या है एक लीटर पानी है इस बोतल में तो अगर इस पानी को आप लोग इस बाउल में डालोगे तो दोस्तों पानी एक लीटर ही तो होगा ऐसा तो है नहीं एक का आधा रह जाएगा या दो लीटर हो जाएगा जैसे मार्केट से आप लोग एक लीटर दूध लेकर आए थैली में लेकर आए आपने उसको घर पे एक बर्तन में डाल दिया तो दूध तो एक लीटर ही तो रहेगा ऐसा थोड़ी तो दो लीटर हो गया या आधा लीटर रह गया बात क्लियर है तो आप लोग क्या बोलोगे क्या बोलोगे कि सर ये उसी मतलब उसी बर्तन की आकृति ले लेता है जिसमें उसको उड़ेला जाए तो कहने का मतलब यह है मैं यहां पर लिख देता हूं बहुत शॉर्ट में कि सर इसकी जो शेप होती है ना वो फिक्स नहीं होती है जबकि इसका इसका जो जो वॉल्यूम होता है जो इसका आयतन होता है वो फिक्स होता है, नियत होता है है नियत बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या आ गई बात समझ में आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गैसेज स्टेट की बात करिए बताओ जैसे आपने सुना है क्या हमारे घर में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है आता है क्या आता है क्या आपके पास में मुझे बताओ तो वो हमेशा लीटर में आता है कि ये आठ लीटर का सिलेंडर है ये आप लोग क्या बोलते हैं सॉरी आठ लीटर का क्या उसमें आता है द्रव्यमान में आता है कि आठ किलो का है पंद्रह किलो का सिलेंडर है दोस्तों वॉल्यूम में क्यों नहीं आता क्योंकि यार गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता ही नहीं है उस गैस को अगर आप लोग कंटेनर में डालोगे जैसे किसी भी गैस को आपने मान लो इस डब्बे में डाल दिया तो जो गैस हो जाएगी ना इस डब्बे को घेर लेगी मतलब इस डब्बे में हर जगह पहुंच जाएगी यानी इस डब्बे का आयतन घेर लेगी अगर दोस्तों गैस को आप लोग एक छोटे से डब्बे में डालोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा जो इस डब्बे का वॉल्यूम है क्लियर है अगर गैस को आप लोग खुले कमरे में छोड़ोगे तो पूरे खुले कमरे में फैल जाएगी यानी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा गैस सब जगह कमरे में यानी जो कमरे का वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा तो गैस का जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स नहीं होता शेप तो दोस्तों होती ही नहीं है अगर आप लोग इसमें डालोगे तो इसमें पूरा फैल जाएगा इसमें डालोगे तो इसमें फैल जाएगा तो गैस जो होता है ना ना ही इसकी शेप ना ही इसकी आकृति आपकी फिक्स होती है ही इसका वॉल्यूम यानी आयतन फिक्स होता है बात क्लियर है चीजें क्लियर है आ जाओ अब एक चीज आप लोग बताएंगे ध्यान से <coughs> देखो एक्चुअली मैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ चलो पहले ही बता दू क्या रुको आ, पहले बता दू क्या हाँ चलो पहले हम लोग एक चीज करते हैं उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा चलो यहां पर मैं आपको बताता हूं दोस्तों ध्यान रखिए कोई भी मैटर हो कोई भी पदार्थ हो जैसे मान लो ये भी एक पदार्थ है जो पानी आप लोग पी रहे हो वो भी पदार्थ है दोस्तों कोई भी मैटर होता है ना कोई भी पदार्थ होता है ना वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल बना होता है छोटे छोटे कणों से मिल बना होता है जैसे अगर हम लोग बात करें इस पेन की जैसे मान लो ये या कोई मान लो आपके पास में लोहे की एक रॉड है तो दोस्तों लोहे की रॉड भी क्या है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिल बनी हुई है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कोई भी मैटर कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है दोस्तों इसी कणों को हम लोग क्या बोलेंगे एटम बोलेंगे परमाणु बोलेंगे तो अभी आप लोग एटम की बात मत करिए क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो बस आपको यह ध्यान रखना है कोई भी मैटर कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है अब होता क्या है जैसे ठोस अवस्था में बात करें तरल अवस्था में बात करें गैस अवस्था में बात करें तो इन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना वो अलग अलग होता है जैसे अगर कोई ठोस अवस्था में है जैसे मान लो ये पेन है ठोस अवस्था में तो पहली बात तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा बिल्कुल दोस्तों ठोस अवस्था में क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच का गैप जो होता है ना काफी कम होता है तो गैप काफी कम है तो ये आपस में एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट करे हुए हैं तो दोस्तों इनके बीच में अगर आपको बोला जाए सॉलिड में ठोस में पार्टिकल्स कणों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होता है कम ज्यादा होता है तभी तो ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं क्लियर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा गैप होता है ठीक है थोड़ा गैप होता है गैस में बात करें पार्टिकल्स के बीच में गैप काफी ज्यादा होता है जिनकी वजह से इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है इसलिए कोई कहां भागता रहता है कोई कहां भागता रहता है कोई कहां भागता रहता है अब देखो इतनी सी चीज से ही दोस्तों आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया है आर ग्रुप डी में चलिए बताओ बताओ दोस्तों किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी मैटर कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है जिसे आगे चल के हम लोग परमाणु अणु ये नाम देंगे तो अभी आप लोग ये समझिए निम्नलिखित में से किसके कणों के बीच में ना किसके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है तो आपको पता है अगर कोई ठोस अवस्था में है कोई पदार्थ तो वह जिन पार्टिकल जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उनके बीच में गैप काफी कम होता है गैप काफी कम होने की वजह से उनके बीच में आकर्षण काफी ज्यादा होता है तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आ गई बात समझ में आ गई चलिए बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों ठोस के कणों के बारे में क्या सही है आपको पता है चाहे ठोस हो चाहे तरल हो चाहे गैस हो सब आप लोगों के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं दोस्तों आपको पता है गैस में क्या होता है इन पार्टिकल के बीच में गैप काफी ज्यादा होता है गैप ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में आकर्षण उतना नहीं होता तो कोई कहां भाग रहा है कोई कहां भाग रहा है कोई कहां भाग रहा है तो क्या सॉलिड में वो रैंडमली मूव करते हैं क्या नहीं सर वो तो गैस में मूव करते हैं सॉलिड में तो बिल्कुल आप लोगों के चुपचाप बैठे हुए होते हैं तो ये नहीं होगा देर आर लार्ज गैप बिटवीन डैप सॉलिड में ठोस में क्या कणों के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है क्या नहीं सर गलत बात है दोस्तों क्या दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन क्या उनके बीच में आकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है क्या नहीं सर उनके बीच में तो सर्वाधिक आकर्षण होता है तभी तो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं वो आप लोगों का तो ये भी गलत है दे आर अरेंज इन सिस्टमैटिक मैनर बिल्कुल ठोस में आप लोग देखोगे ना पार्टिकल्स के बीच में गैप काफी कम है तो गैप काफी कम है तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या है बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मतलब ये बहुत एक सिस्टमैटिक आप लोगों के अरेंज है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों से पूछू क्या बताऊ एक चीज मैं आप लोगों से पूछू क्या आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए सर आपको कैसे पता कि कोई भी मैटर कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है सर इसका कोई प्रूफ है क्या बिल्कुल दोस्तों इसका प्रूफ है मैं भी आपको आगे बताऊंगा आपको ये चीज आपको पता पड़ जाएगी कि हाँ सर कोई अभी तो आपने समझ लिया कि हाँ ठीक है सर कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है लेकिन दोस्तों इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए है ना चलिए आ जाओ चलो सर साइंस का बुक चाहिए बहुत दिन से आउट ऑफ स्टॉक है दोस्तों साइंस का बुक अभी नहीं आएगा अभी नहीं आएगा ठीक है प्लीज ये क्वेश्चन बार बार मत करिए आ जाओ अब हम लोग बात करते हैं कि सर जैसे कोई भी मैटर है कोई भी पदार्थ है क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है क्या बिल्कुल तो बहुत जनों को लगता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन केवल टेम्परेचर के माध्यम से कर सकता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ठोस आपका तरल में और बढ़ाओगे तरल आपका गैस में लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा किसी भी मैटर की स्टेट में चेंज आप लोग दो चीजों से कर सकते हो एक तो उसके टेम्परेचर में चेंज करके

सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं मेल्टिंग और हिंदी में बोलते हैं संगलन एनसी हिंदी संगलन लिख रखी है ठीक है अगर दोस्तों गर्म करने पे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण दोस्तों क्या आप लोगों ने एक नाम और सुना है क्या इवेपरेशन सुना है क्या तो बहुत जनों को लगता है वेपराइजेशन और इवेपरेशन बिल्कुल सेम है नहीं दोस्तों सेम नहीं है अभी आप आज आपको पता पड़ जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं अगर दोस्तों गैस को गर्म करने पे वो प्लाज्मा स्टेट में जा रही है तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं आयनाइजेशन यानी आयनीकरण क्लियर है चलिए अब दोस्तों जस्ट इसका उल्टा भी होगा जैसे अगर आप इसको ठंडा करोगे जैसे आप लोग बर्फ जमाते हो ना सर्दियों में गर्मियों में तो क्या करते हैं हम लोग पानी को रख देते हैं लिक्विड रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में लिक्विड क्या करता है दोस्तों इसको ठंडा करता है इससे हीट निकाल लेता है इसका जिससे इसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो लिक्विड का जब टेम्परेचर कम करोगे कम करोगे तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा क्या क्या बर्फ बन जाएगी क्या बिल्कुल तो जैसे ये प्रोसेस आपको पता है ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए कैसे सर आ जाओ देखो है ना चलो आगे हम लोग बात करेंगे इधर ही बता दू क्या बता दो सर. सर देखो प्लाज्मा को अगर ठंडा करोगे ना तो दोस्तों आपको गैस अवस्था मिलेगी और इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं डी आयनाइजेशन ठीक है ठीक है दोस्तों अगर आप लोग गैस को ठंडा करोगे और अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ठंडा करने पर इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं कंडेंसेशन और हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं संगनन क्लियर दोस्तों अगर लिक्विड को ठंडा करोगे और अगर वो सॉलिड स्टेट में आ रहा है तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलोगे बताओ फ्रीजिंग आप फ्रीज कर रहे हो फ्रीजिंग ठीक है आप जमा रहे हो इसको हिंदी में बोलते हैं हिमीकरण हिमिकरण ठीक है ठीक है? है अब दोस्तों एक चीज याद रखो कई बार क्या होता है कोई ठोस होता है जिसको आप लोग गर्म कर रहे हो आप लोग सोचोगे कि यार अभी ये मेल्ट होगा कई बार क्या होता है सॉलिड जो होता है ना वो गर्म करने पर सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना तो अगर कोई सॉलिड गर्म करने पर सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलोगे सब्लिमेशन यानी उर्ध्वपातन ठीक है सेम चीज दोस्तों जब आप लोग गैस को ठंडा करते हो तो पहले लिक्विड में आता है और ठंडा करोगे फिर आप लोगों का क्या होगा सॉलिड में आएगा लेकिन अगर कोई गैस ठंडा करने पर सीधे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलोगे डिपोजिशन यानी निक्षेपण सर इसका एग्जाम्पल बताइए कोई देखो एग्जाम्पल बहुत है जैसे आप लोग ये जानते हो क्या Nephleyn की गोलियां है जब आप लोग इसको गर्म करोगे ना तो ये मेल्ट नहीं होगी सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका फेमस एग्जाम्पल हो जाएगा एक नेफ्लिन दोस्तों तो और बताओ सर अमोनियम क्लोराइड अगर आप लोग अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे तो ये मेल्ट नहीं होगा सीधे ही आप लोगों का गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सर और एग्जांपल बता दो कपूर कैम्प आप लोग जानते हो ना पूजा में जो यूज होता है जानते हो आप लोग तो जब कभी आप लोग इसको जलाते हो तो क्या ये मेल्ट होता है क्या लिक्विड स्टेट में आता है कि नहीं सर सीधे ही गैस बन के उठ जाता है तो ये भी इसका एग्जाम्पल है दोस्तों एंथ्रासीन ध्यान रखेंगे एनसीआरटी में दिया हुआ है एनसीआरटी के लाइन बाय लाइन आता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल एक एक है क्लियर है क्या हर्ष जी करा देंगे ठीक है आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं सर इसका कोई एग्जाम्पल है क्या क्या आपने देखा है क्या सर्दियों के दिनों में जो आप लोग हम बोलते हैं ना यार ये ये फ्रॉस्ट जम जाती है क्या बोलते हैं इसको हिंदी में पाली बोलते हैं पाली तो आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में आप लोगों की जो पत्तियां वगैरह होती है ना पे से बर्फ से जम जाती है तो उसके पीछे कारण क्या है देखिए हमारी जो एयर है उसमें वाटर वेपर है जल है बर्फ तो तो बन जाती है बर्फ बन जाती है ना जिसकी वजह से ये जम जाती है क्लियर है क्या चले सर साइंस के कोर्स पर सौ या दो सौ की छूट दे दो प्लीज सर जी मैं अभी कोर्स खरीद लो नहीं दोस्तों मत खरीदो आप है ना इधर पढ़ाई करो ठीक है चले आगे आ जाओ अब हम लोग बात करते हैं सेम वही चीज जो मैं बताता अगर प्लाज्मा को ठंडा करोगे तो गैस में आएगा ठीक है गैस को ठंडा करोगे तो आपका लिक्विड बनेगा लिक्विड को और ठंडा करोगे तो आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा ठोस अवस्था में आ जाएगा तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलोगे डीआईनाइजेशन गैस को जब ठंडा करोगे लिक्विड स्टेट में आएगा इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन यानी संगनन और दोस्तों जब आप लोग लिक्विड को ठंडा करोगे तो ये आपका बन जाएगा सॉलिड इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या इसको आप लोग फ्रीजिंग प्रोसेस भी बोल सकते हो फ्रीजिंग या हिमीकरण भी बोल सकते हो यहां तक बात समझ में आ गई क्या आ गई क्या बिल्कुल आ गई दोस्तों यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा का ठीक है लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है देखिए दोस्तों ध्यान रखो आप एक छोटी सी चीज मुझे बताओ जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में क्या है अरे क्लियर है क्या सर अरे यस बोलो क्लियर है डेली सुबह दस बजे क्लास ज्वाइन कर हो ना मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे को मैं आप लोगों को करवाता हूं थ्योरी ठीक है आ जाओ देखिए अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है दोस्तों आइस है बर्फ है ठीक है आपके पास में बर्फ है आप मान लीजिए बर्फ का टेम्परेचर जो है ना वो कितना है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस की आपके पास में आइस है आप दोस्तों इसको गर्म कर रहे हो गर्म करने से क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइनस दस डिग्री सेल्सियस की आइस मान लो किस में कन्वर्ट हो गया जीरो डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हो गया क्लियर है कोई दिक्कत किसी को दोस्तों जब आप लोग इसको और गर्म करोगे तो आपको लगेगा टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है जीरो डिग्री सेल्सियस था यहां पर यहां पर भी जीरो डिग्री सेल्सियस ही है तो आप लोग बोलोगे वो हीट गायब कहां पर हो गई तो दोस्तों जो हीट आपने दी आपने सोचा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तो वो क्लियर है क्या अब जब आप लोग और हीट दोगे तो जीरो डिग्री सेल्सियस की जो आइस है ना वो आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो जाएगी हंड्रेड सॉरी जीरो डिग्री सेल्सियस का वाटर है ना वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के वाटर में हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप लोग और हीट दोगे तो आप लोग देखते हो दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी जो है उसको हीट दी फिर भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा ये क्या हुआ तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट हो गया क्लियर है क्या अब दोस्तों आप लोग सारी नजर इधर रखिए देखो यहां पर आपने हीट दी और देखा टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस था बाद में भी जीरो डिग्री सेल्सियस था यानी जो आपने हीट दी वो कहां पर गायब हो गई कहां पर गुप्त हो गई तो उस हीट का यूज हो गया जीरो डिग्री सेल्सियस के आइस को जीरो डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए तो इस हीट को आप लोग बोलोगे लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा आई समझ में क्लियर दोस्तों सेम चीज यहां पर आपने हीट दी टेम्परेचर कहां था सर पहले सौ था अब सौ है तो वो हीट कहां पर गायब हो गई कहां पर गुप्त हो गई तो इस हीट को क्या बोलोगे लेटेंट हीट बोलोगे गुप्त उष्मा बोलोगे तो देखो इस वाली हीट का इस्तेमाल हुआ है इसको मेल्ट कराने के लिए तो इसको बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्लियर है क्या इसको आप लोग क्या बोलोगे गलन की गुप्त उष्मा बात समझ में आ गई क्या सेम दोस्तों यहां पर इस हीट का यूज कहां पर हुआ है सौ डिग्री सेल्सियस के पानी को सौ डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए तो इसे आप लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा अब दोस्तों क्या मैं आप लोगों को ये ग्राफ से समझा दू क्या क्या मैं आप लोगों को यह ग्राफ से समझा दू क्या ग्राफ अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जैसे मान लो स्टार्टिंग में आपके पास में कंटेनर था उसके अंदर आइस थी आइस का टेम्परेचर मान लो माइनस टेन डिग्री सेल्सियस आप क्या दे रहे हो नीचे से हीट दे रहे हो तो दोस्तों देखो एक एक्सिस पे मैंने ले लिया हीट और एक एक्सिस पे मैंने ले लिया टेम्परेचर तो जैसे जैसे आप लोग हीट देते जाओगे देते जाओगे तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या 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 बिल्कुल बढ़ेगा तो मान लेते हैं जो माइनस टेन डिग्री सेल्सियस था वो टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया जीरो डिग्री सेल्सियस हो गया दोस्तों अब आप क्या देखते हो कि आप हीट देते रहते हो देते रहते हो देते रहते हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो दोस्तों वो हीट कहां पर गई सर मैं हीट देता जा रहा हूं देता जा रहा हूं देता जा रहा हूं तो उस हीट का इस्तेमाल हो गया जो आपके जीरो डिग्री सेल्सियस की जो आइस थी ना उसको किस में कन्वर्ट करने पे जीरो डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने पे तो जब आपने हीट दी हीट दी हीट दी तो अब आपका क्या हो गया वो वाटर में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया दोस्तों जब आप लोग और हीट दोगे तो क्या होगा और हीट देने पर और हीट देने पर टेम्परेचर अब बढ़ेगा तो जीरो डिग्री सेल्सियस का पानी किस में कन्वर्ट हो गया सौ डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो गया अब और हीट दे रहे हो दोस्तों जब आप लोग हीट दे रहे हो तो देख रहे हो आप लोग टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा उतना ही है उतना ही है उतना ही है तो सर वो हीट कहां पर चली गई उस हीट का इस्तेमाल हो गया सौ डिग्री सेल्सियस के पानी को सौ डिग्री सेल्सियस की वाष्प में कन्वर्ट करने पे क्लियर है क्या अब जब आप लोग और हीट दोगे तब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस की जो वास्तप है ना वो 120 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी 140 पे पहुंच जाएगी दोस्तों क्लियर है क्या क्लियर है क्या ऋषभ यादव सर कोर्स में बहुत अच्छा पढ़ाते था थैंक यू सो मच अब इधर पढ़ाई कर लो यहां तक समझ में आ गया जल्दी से बताइए जल्दी से बताओ कमेंट करके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं बताओ जल्दी से दोस्तों चुपचाप से नाश्ता करना पड़ रहा है आपके लिए ठीक है स्टार्ट करें चले आगे आजा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अवस्था में परिवर्तन दो तरीके से किया जा सकता है एक तो आपने क्या बताया एक तो आपने क्या बताया कि सर टेम्परेचर में चेंज करके दूसरी बात यह है कि क्या प्रेशर में चेंज करके क्या दाब में परिवर्तन करके भी यह कार्य किया जा सकता है क्या बताओ दोस्तों मुझे एक चीज बताओ देखो क्या होता है ठोस अवस्था में जो पार्टिकल्स थे ना आपके पार्टिकल्स वो आपके काफी पास पास में थे ठीक है ये बात सही बात है क्या बताओ दोस्तों अगर बात करें लिक्विड स्टेट में तरल अवस्था में पार्टिकल थोड़े किस पे थे सर गैप पे थे अगर गैस अवस्था की बात करोगे तो वहां पर पार्टिकल के बीच में गैप काफी ज्यादा था बात क्लियर है क्या बताओ बात क्लियर है क्या दोस्तों ये गैस है जब आप लोग इसका प्रेशर बढ़ाओगे जब इसका दाब बढ़ाओगे दोस्तों जब इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो दोनों पार्टिकल के के बीच बीच में में इन पार्टिकल्स गैप कम होगा क्या तो मैं बोल सकता हूं गैस का मैं प्रेशर बढ़ा दू तो इन पार्टिकल्स के बीच में गैप कम हो जाएगा मतलब लिक्विड जैसा हो जाएगा ये बताओ तरल जैसा हो जाएगा बताओ बात क्लियर है क्या दोस्तों मैं जब लिक्विड का भी प्रेशर बढ़ाऊंगा प्रेशर बढ़ाऊंगा दाब बढ़ाऊंगा तो इनके बीच में गैप और कम हो जाएगा ठोस अवस्था जैसा हो जाएगा तो सर अगर आप लोग लिक्विड का प्रेशर बढ़ाओगे तो यह सॉलिड स्टेट में आ जाएगा ठोस अवस्था में आ जाएगा दोस्तों बात क्लियर है क्या बताओ 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 आगे बात समझ में सेम चीज दोस्तों ठोस है अगर प्रेशर कम करोगे अभी तो आपने दबा रखा है अगर प्रेशर कम करोगे तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा यानी दोस्तों अगर आप लोग ठोस का प्रेशर कम कर दोगे तो आप लोग कौन सी स्टेट मिल जाएगी लिक्विड स्टेट दोस्तों लिक्विड का भी जब बहुत प्रेशर कम कर दोगे प्रेशर कम करने का मतलब आपने हटा दिया जोर जिसकी वजह से पार्टिकल थोड़े दूर दूर चले जाएंगे तो अगर आप लोग गैस का प्रेशर कम लिक्विड का प्रेशर कम कर दोगे तो आपको मिल जाएगी दोस्तों क्या गैस मिल जाएगी क्लियर है क्या सर फाउंडेशन बैच पे कूपन कोड है क्या दोस्तों भी बात करेंगे लास्ट में बात करेंगे स्कोर्स की ठीक ठीक है है चलो आ जाओ थीके? तो आप लोग मुझे ये चीज बताइए जैसे मान लो यहां पर क्या है कोई गैस भरी हुई है ये गैस के पार्टिकल्स है दोस्तों जब ऊपर से दबाओगे बहुत हाई प्रेशर जब करोगे तो इनके बीच का जो गैप है ना काफी कम हो जाएगा और दबाओगे यानी जब और हाई प्रेशर करोगे तो इनके बीच का गैप बिल्कुल ही कम हो जाएगा पास पास आ जाएगा तो मैं बोल सकता हूं क्या अगर आप लोग किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा लिक्विड को अगर आप लोग सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा सर कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा ना सर साइंस ए एल टेक्स सारे एग्जाम बिल्कुल दोस्तों संतोष जी जनरल साइंस का जो फाउंडेशन बैच है उसमें आप लोग चाहे ए दे लो टेक्नीशियन दे लो जेई दे लो और एक बार पढ़नी है जीवन में वापस साइंस नहीं पढ़नी, ठीक है और एग्जाम से एक महीने पहले उसमें सिलेबस हो जाएगा डेली उसमें दोपहर एक बजे क्लास चलती है अपनी अब दोस्तों यहां तक बात क्लियर है क्या अब एक चीज आप लोग ध्यान रखो आपने सारी बातें समझ ली कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है आपने यह भी बता दिया कि दोस्तों मैटिकल मैटर के बीच का जो पार्टिकल का बीच का जो गैप होता है ना वो अलग अलग होता है ठोस में बहुत कम गैप होता है गैस में थोड़ा ज्यादा होता है ये बात आपने बता दी लेकिन दोस्तों ये बात आपको पता कैसे है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है कणों से मिलकर बना हुआ है सर इस चीज को प्रूफ करके बताओ आइए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की मैं कुछ आपको नेचर बता रहा हूं मैटर में, होता, होता है पार्टिकल्स का बना होता है कणों का बना होता है क्या प्रूफ करके बताऊं क्या क्या प्रूफ करके बताऊं क्या हा या ना बोलो बिल्कुल सर बताओ आप एक काम करो आपके पास में क्या है कटोरे में पानी है आप पानी में क्या डालो दोस्तों थोड़ा सा नमक डालो इतना सा काम कर लोगे क्या अरे जो पानी है ना पानी में आप थोड़ा सा नमक डालो ये ऐसे डाल दो पानी है उसमें नमक डालो अब एक चीज मुझे बताओ चलो मैं यहां पर ये कर रहा हूं ये जैसे मान लो आपके पास में कटोरा था कटोरे में यहां तक पानी भरा हुआ था यहां तक ठीक है दोस्तों आपने इसमें डाला नमक थोड़ा सा नमक डाला और नमक डालने के बाद में देखते हो कि पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं इसका क्या तात्पर्य है मुझे बताओ इसका क्या तात्पर्य है सर इसका एक ही तात्पर्य है कि जो पानी है ना वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है क्लियर है क्लियर क्या और जो हमने इसमें नमक डाला तो नमक भी एक पदार्थ है तो सर वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उसके पार्टिकल इनके बीच के जो गैप है ना उसमें जाके बैठ गए दोस्तों बस ये ही चीज हो सकती है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा तो दोस्तों जो इसका कारण एक ही है कि कोई भी मैटर वो किससे बना होता है पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है तो ये चीज किससे प्रूफ हुई दोस्तों छोटे से एक्सपेरिमेंट से आप लोगों की प्रूफ हो गई तो कारण क्या है कि लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा तो वेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट यानी जो नमक के पार्टिकल है जो नमक के गण कण है गेट इन टू दी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वॉटर वो वॉटर यानी पानी के पार्टिकल्स के बीच के जो गैप है उसमें जाके अंदर बैठ गए क्लियर है क्या आ गई बात समझ में क्लियर है क्या आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो मैटर बहुत मैंने क्या बताया मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो ये बात आपको कैसे पता पड़ी तो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ये बात तो मैंने आपको प्रूव कर दी बात आती है कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ये पार्टिकल जो होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं सर इसको भी प्रूफ करके बताओ आइए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं दोस्तों आप एक काम कर लीजिए क्या आपने चाय बनाई है क्या कभी अरे क्या आपने चाय बनाई है क्या सर नहीं बनाई तो एक काम करो कोई बात नहीं आपको मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूं दोस्तों आप क्या लो एक ग्लास लो एक ग्लास में क्या लो पानी लो एक ग्लास में क्या लो पानी लो अरे ग्लास में क्या लो पानी लो पानी में दोस्तों आपने क्या डाल दी एक इंक डाल दी नीली कलर की शाही डाल दी तो ये पानी का जो कलर हो जाएगा वो क्या नीला हो जाएगा क्या बोलो हाँ या ना बताओ अब आपने क्या करा दूसरा ग्लास लिया जिसमें आपके पास में नॉर्मल वाटर था बिल्कुल प्योर वाटर था आपने इसकी थोड़ी सी बूंद एक बूंद दोस्तों इसमें डाल दी तो इसका भी कलर नीला हो जाएगा क्या मानते हैं हल्का नीला होगा लेकिन होगा तो सही बोलो हाँ या ना अब आप इसको मिक्स करो अब आप क्या लो एक दूसरा ग्लास लो जिसमें प्योर वाटर है अब इसकी एक हल्की सी बूंद आप लोग यहां पर डाल दो इसको घोल दो दोस्तों इसका भी कलर नीला हो जाएगा क्या मानते हैं बहुत हल्का सा होगा लेकिन होगा तो सही इसका मतलब क्या है देखो आपने मान लो थोड़ा सा पानी लिया तो उस थोड़े से पानी ने इसका रंग भी क्या कर दिया नीला कर दिया यानी उस थोड़े से पानी में बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए बहुत सारे कण आ गए तभी तो इसका भी रंग नीला कर गए वो बोलो हाँ या ना तो ये चीज आप लोगों की प्रूफ हो गई कि यार जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत स्मॉल होते हैं जैसे दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल और ये देखो जैसे एक चीज मुझे बताओ जैसे मान लो ये आपके पास में आपने कोई चाय बनाई इसमें दूध डाला ठीक है फिर इसमें और दूध डाला 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 और दूध डाला, डाला लेकिन दोस्तों बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर आपको नहीं मिला यानी इसका मतलब पहले जो चाय थी उसके जो पार्टिकल्स है वो अभी भी है वो बहुत छोटे हैं लेकिन अभी भी है क्लियर है क्या आई बात समझ में आ जाओ चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कि दोस्तों ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये जो कण होते हैं ना इनके बीच में गैप होता है और ये गैप वेरी करता है जैसे ठोस अवस्था में गैप बहुत कम होता है तरल अवस्था में थोड़ा ज्यादा होता है गैसेज अवस्था में इन पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है ना और भी ज्यादा होता है सर इस चीज को आप लोग प्रूफ करके बताओ बताओ तो ये प्रूफ तो मैंने बताई दिया पहले वाला कि आप लोग अगर पानी में नमक डालोगे तो नमक डालने पर पानी का लेवल नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है पानी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है गैप है और उसी गैप में दोस्तों नमक के पार्टिकल आके बैठ गए ठीक है तो उनके बीच में क्या होता है गैप होता है ठीक है क्या चौथी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये जो कर्ण होते हैं गतिशील होते हैं गति करते रहते हैं ये हालांकि गति जो होती है वो आप लोगों की अलग अलग होती है जैसे गैस के पार्टिकल जो होते हैं ना वो ज्यादा गति करते हैं ठोस के पार्टिकल बिल्कुल गति नहीं करते वो अपनी जगह पर रहते हैं तो सर ये बात आपको कैसे पता पड़ी कि जो पार्टिकल्स है मूव कर रहे हैं आइए मैं इसके लिए आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ एनसीआरटी में आप लोगों को एक बहुत शानदार एक्टिविटी दी गई है एक एक्सपेरिमेंट दी गई है जिससे आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सर ये जो पार्टिकल्स है कण है ना गति कर रहे हैं बताओ जैसे आप लोग मुझे बताइए अगर आपने कमरे के कोने में अगरबत्ती जला दी तो क्या उसकी सुगंध जो होगी पूरे कमरे में महक जाएगी क्या बोलो हाँ या ना बोलो हा है इसका मतलब क्या है सर इसके जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स है ना वो सब जगह आ गए दोस्तों आप यहां पर खड़े हो कोने में आपने अगरबत्ती जलाई है यहां तक अगर आप लोग सूंघ पा रहे हो उसकी स्मेल आ रही है इसका मतलब सर उसके पार्टिकल आप तक आ गए इसका मतलब क्या है दोस्तों पार्टिकल जो होता है ना वो मूव करते रहता है बताओ बात क्लियर है क्या हु? सर जनरल साइंस इंजेक्शन वाली हिंदी मीडियम का बुक अवेलेबल करा दो प्लीज दोस्तों अनंता जी मैं आप लोगों से प्लीज एक चीज क्लियर कर दू वो बुक मैंने अभी बंद कर दी है क्यों तो सर अभी इसका कारण बताओ देखो दोस्तों वो बुक थी हैंड नोट्स मुझे पता है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थे थी, ठीक है कि सर मुझे नोट्स बनाने नहीं पड़ते थे आपकी बुक थी बस आपका कोर्स देखता बुक में सब कुछ रहता था इसलिए थे ना बहुत बढ़िया बुक आ जाएगी टेंशन मत लो लेकिन दोस्तों जब तक बुक नहीं आ रही है मैंने क्या कर दिया दोस्तों जो अपना कोर्स है ना उस कोर्स में जो बच्चे हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं वो मैंने वहां पर डाल दिए तो अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही तो तो सीधा उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो जब तक बुक नहीं आ रही है तब तक मैंने आपके लिए ये काम कर दिया बताओ और क्या करूं मैं सोच रहा हूं अभी आपकी थ्री डबल नाइन की जो बुक है चार सौ रुपए की आप किताब का करते हो तो आपको अभी अलग से पैसा खर्च नहीं करने पड़े इसलिए मैंने अभी वहां पर डाल दिया ये मेरी छोटी सी वो है यार ठीक है जब आएगी तब ले लेना तो तब तक आप लोगों को परेशान नहीं होना है मैंने हैंड रिटर्न नोट डाल दिया है पढ़ाई करो आप है ना आ जाओ चलो आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर और एक्टिविटी बताओ ना जैसे आपने देखा होगा अगर कोई पानी में आप लोग रेड इंक डालोगे तो डालते ही दोस्तों क्या ये पूरा रंग लाल कर देगा क्या बोलो हाँ या ना या आप मुझे एक चीज बताओ कि आपके पास पानी है पानी में आप लोग थोड़ा सा शेद डाल दो दोस्तों जो होता है क्या पूरा फैल जाएगा क्या पूरे पानी में फैल जाएगा क्या इसका मतलब क्या है कि सर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं वो मूव करके सब जगह पहुंच जाते हैं जैसे यहां पर आपने क्या किया जब आपने पानी में रेड इंक डाली तो वो सब जगह पहुंच गई इसका मतलब क्या है जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं गति करते रहते हैं इसलिए तो वो सब जगह पहुंचे तो क्या ये आप लोगों को दो एक्टिविटी सफिशियंट थी क्या ये बात समझने के लिए कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जो पदार्थ के कण होते हैं ना वो गतिशील होते हैं बोलो या ना ठीक है आ जाओ अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं है ना जैसे अभी मैंने आपको तीन चीजें बताई है ना एक तो ये अगरबत्ती वाला पार्ट बताया मैंने एक मैंने आपको ये बताया एक मैंने आप लोगों को ये बताया दोस्तों एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा इन तीनों चीजों से आप लोगों को क्या चीजें प्रूफ हुई सर इन तीन चीजों से हम लोगों को ये चीज प्रूफ हुई पहली चीज तो कि जो पार्टिकल्स होता है ना मैटर के पदार्थ के जो कण होता है ना वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं घूमते रहते हैं गति करते रहते हैं और दोस्तों गति कौन करता है जिसके पास में एनर्जी होता है तभी तो गति कर पाएगा और गति करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं गति ऊर्जा तो मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों कोई भी मैटर पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं ना कण उनके पास में क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है बात है क्या बताओ सर ये आपका पेड़ बैच कहां पर मिलेगा सर साइंस मैग्नेट ऐप पर मिलेगा ठीक है और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात और कि जैसे जब आप लोगों ने शहद डाला था ना ये गर्म पानी में डाला था दोस्तों एक तो शहद को ठंडे पानी में डालो और गर्म पानी को डालो डालो तो आप लोग क्या देखते हो गर्म पानी में ये शहद जल्दी घुल रहा है किसके मुकाबले ठंडे पानी के मुकाबले आप घर पे देख लो आपको क्या करना है एक ग्लास पानी में थोड़ा सा शक्कर है ना वो घोलना है एक तो नॉर्मल पानी में घोलो एक पानी को गर्म करके घोलो दोस्तों क्या गर्म पानी में जल्दी घुल जाएगा क्या तो आपको कुछ चीजें क्या पता पड़ी कि सर कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो पार्टिकल्स मूव फास्टर जो कण होते हैं ना वो बहुत तेज गति करते हैं यानी जल्दी से आप लोगों के सब जगह पहुंच जाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो गति ऊर्जा होती है वो आप लोगों की क्या हो जाती है बढ़ जाती है क्लियर है क्या चलिए और दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर कोई एक मैटर है कोई एक पदार्थ है इसको आप लोग दूसरे मैटर में मिक्स कर रहे हो तो अगर कोई दो पदार्थों को आपस में मिक्स कर रहे हो इंटरमिक्सिंग कर रहे हो तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण जैसे मान लो आपने पानी में इंक डाला तो जो पानी है वो आपका एक अलग पदार्थ है इंक जो है आपका अलग पदार्थ है दोनों को आपने आपने मिक्स कर दिया तो इस प्रोसेस को बोलोगे डिफ्यूजन सर हम आपका कोर्स लेकर पढ़ रहा हूं कोई बुक बताइए जिससे रिवीजन हो सके कुछ नहीं पढ़ना जब आपने कोर्स ले लिया तो आपको पता है मैंने उसमें सारे क्वेश्चन भी करवाता हूं हजार बार बोलता हूँ कोर्स में कुछ मिल लेना फिर भी एक ही कमेंट करते रहते हो क्लियर है क्या चले आगे आ जाओ और एक चीज आप लोग ध्यान रखना अगर कोई दो गर्म है जैसे मान लो गर्म पानी में आपने इंक डाली तो वो जल्दी घुलेगी तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे है ना, तो हीट या उसको करोगे, करोगे, हीटिंग करोगे, तो इससे डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है ना वो क्या होता है फास्ट होता है तो ध्यान रखेंगे ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर गर्म करने पर जो डिफ्यूजन होता है विसरण विधि जो होती है वो क्या होती है दोस्तों और तेज हो जाती है सर वाटर में मिक्स क्यों नहीं होता है ऑयल वाटर में मिक्स क्यों नहीं होता है तो इंद्रजीत जी आप लोगों को पता है मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक याद है नहीं सर याद नहीं है सब केमिकल बॉन्ड है कोर्स में मैंने आपको बताया पोलर पोलर में घुलता है नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है तो जो वाटर है वो नॉन पोलर है ऑयल जो है वो नॉन पोलर है क्लियर सर आप वीडियो के अंत में कूपन कोड के बारे में बात ही नहीं करते आज बात करना प्लीज हाँ तो मैं भी बात कर लू ना इंतजार क्यों कर रहा हूँ कूपन कोड हट चुका है मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के लिए बोल रहा था कि दोस्तों फरवरी तक इसका आखिरी दिन है आप लोग कूपन कोड अप्लाई करके सौ रुपए की छूट ले सकते हो नहीं जाए पागल है मास्टर देख चार दिन बाद वापस आ जाएगा आगे ना मजे तो मेरे को मजे नहीं है मैं पढ़ाता हूं कभी भी बीच बीच में ना मैं कोर्स की बात बोलता हूं तुम ही बीच बीच में कोर्स मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है मेरा यह मानना है कि अगर दोस्तों बच्चे को कंटेंट समझ में आता है उसको पता पड़ जाता है वो पचास जगह पढ़ता है उसको पता पड़ जाता है क्वालिटी किसको बोलते हैं तो मेरे हिसाब से ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है बार बार तो जो बच्चा सीरियस है सब आराम से उसने कोर्स ले लिया है पढ़ रहा है उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है तो अगर आप लोग सीरियस हो सौ रुपये में क्या हो जाएगा नहीं एक ही कमेंट कर दो पिछले पच्चीस मिनट से देख रहा हूं सर सौ रुपए का ऑफ कर दो क्या हो जाएगा सौ रुपए से मुझे बताओ मैं मानता हूं सौ रुपए के स्टूडेंट के लिए बड़ी चीज होती है लेकिन उस सौ रुपए के चक्कर में उस कमेंट के चक्कर में आपने पच्चीस मिनट में इतनी सारी चीजें पढ़ा दी मैंने सब बेकार कर दिया आपने बिल्कुल भी ध्यान आपका नहीं था और अगर आप सीरियस होते ना कब के जुड़ चुके होते पढ़ाई नहीं करते बस फालतू तो की बात करा लो आ जाओ सर और भी कुछ कैरेक्ट्रिस्टिक है क्या बिल्कुल दोस्तों ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है कणों से मिलके बना हुआ है ना वो जो कण होते हैं ना आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आकर्षित करते हैं सर ये जो आकर्षण बल है इन कणों के बीच में लगने वाला ये वैरी करता है कहीं पर आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है कहीं पर कम होता है जैसे दोस्तों कुछ एक्टिविटी मैं आप लोगों को बताता हूं है ना जैसे एनसीआईटी में बहुत सारी एक्टिविटी दी गई है और उन एक्टिविटी का पर्पज सिर्फ एक ही है एक चीज समझाना वो ये है कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो सर कोई एक्टिविटी बता दो ना आप मैं एक्टिविटी बताता हूं देखो आ जाओ दोस्तों मुझे बताओ पानी बह रहा है पानी बह रहा है आपने बीच में क्या डाल दिया हाथ डाल दिया तो पानी कट के यहां से चला जाएगा, चला जाएगा 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 वापस मिल यानी जो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बनाना उनके बीच में आकर्षण वो कहीं ना कहीं वापस जुड़ी जाएंगे वापस एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे जैसे और एग्जाम्पल बताता हूं दोस्तों ये रबड़ बैंड है आपने इसको खींचा लेकिन जब वापस छोड़ा तो वापस आ गए कि अपनी जगह पर क्यों क्योंकि सर ये पार्टिकल जो होते हैं ना जिन पार्टिकल से मिलकर बने हुए उनके बीच में क्या होता है आकर्षण होता है और दोस्तों ये जो आकर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है ठोस अवस्था में क्योंकि ठोस अवस्था में पार्टिकल्स के बीच का गैप क्या होता है काफी कम होता है जिनके जिसके कारण उनके बीच में लगने वाला बल बहुत ज्यादा होता है आकर्षण बल क्लियर चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों बताओ आ जाओ बताओ दोस्तों सुबह दस बजे कल आप लोगों की संडे में रीजनिंग की क्लास होगी रेडी हो क्या सुबह दस बजे रीजनिंग की क्लास होगी टॉप फिफ्टी क्वेश्चन करवाने वाले हैं विकास सर आप पढ़ो क्या मजा आने वाला है आप लोगों को बताओ पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता सर ये गलत बात है होता है होता है मैंने अभी जस्ट आपको बताया ये गलत बात है दोस्तों पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव इन लिक्विड एंड एयर यानी गैस में लिक्विड और गैस में जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है कंटिन्यूसली मूव करते रहता है कि बिल्कुल सही बात है जो पदार्थ होता है वो कणों से बना होता है क्या बिल्कुल सही बात है पदार्थों के कणों के बीच में कुछ अंतर होता है क्या मतलब अंतर का मतलब कुछ गैप होता है क्या गैप होता है क्या बिल्कुल दोस्तों होता है क्लियर है क्या चले आगे आ जाओ अच्छा सॉरी नहीं नहीं ये ये बोलना चाह रहा था कि पदार्थों के देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस हाँ मतलब वही पदार्थों के बीच में गैप होता है कि बिल्कुल होता है क्या? आ जाओ। चलो अब दोस्तों बात करते हैं पदार्थ की अलग अलग है की अलग-अलग अवस्थाएं सर मैं एवरेज स्टूडेंट क्या करूं दोस्तों कुछ मत करो देखो डेली सुबह दस बजे जब आप लोग क्लास लोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा मैं कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं कितने बेसिक से करवाता हूं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियर है क्या आ जाओ चलिए अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं मैंने आपको बता दिया पदार्थ आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट में आप लोगों को मिलेगा बस ये ध्यान रखेंगे बार बार एक ही चीज ठोस अवस्था में पार्टिकल्स के बीच का गैप काफी कम होता है जिनकी वजह से इनकी के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और यहां पर क्या होता है गैप ज्यादा होता है जिसकी वजह से लगने वाला आकर्षण बल काफी कम होता है ठीक है अब दोस्तों क्या मैटर का क्लासिफिकेशन कर ले मैटर कितने टाइप के होते हैं पदार्थ भी अलग अलग टाइप के होते हैं बिल्कुल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है जितने आप लोग स्टार मार्क लगा सकते हो उतने लगा लो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फिर से बता रहा हूं क्लियर है आ जाओ दोस्तों जो मैटर होता है ना पदार्थ उसको आप लोग दो पार्ट में बांट सकते हो एक तो आप लोगों का प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ और एक होता है आप लोगों का मिक्सचर यानी मिश्रण सर हम लोग किसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे किसको मिक्सचर बोलोगे अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों ध्यान रखो जितने जितने भी जितने भी एलिमेंट है है तत्व और जितने भी आपके कंपाउंड है यौगिक है वो आपके क्या होंगे प्योर सब्सटेंस होंगे लेकिन सर दिक्कत ये है कि मुझे ये नहीं पता एलिमेंट क्या होता है यानी तत्व क्या होता है सर मुझे ये भी नहीं पता कंपाउंड यानी यौगिक क्या होता है आइए मैं आपको बताता हूं क्लियर है क्या आ जाओ दोस्तों एलिमेंट यानी तत्व आप लोग किसको बोलते हैं जो किसी से मिलके नहीं बना है जैसे क्या इसको आप लोग तत्व बोलोगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं सर ये तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है नहीं सर इसको तत्व नहीं बोलेंगे दोस्तों क्या इस एच टू ओ वाटर का जो फॉर्मूला है क्या इसको तत्व बोलोगे क्या नहीं सर क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है तत्व आप लोग किसको बोलते हो जो किसी से मिलकर नहीं बना होता है आपको पता है ना पीरियोडिकोजनियम बोरोन कार्बन पोटेशियम समझ में बोलोगे टोटल हमारे पास में एक सौ अट्ठारह तत्व है ठीक है तो जितने भी तत्व होते हैं वो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है कि विच वन ऑफ दीज इज अ प्योर सब्सटेंस तो आपको चार ऑप्शन दे देगा अगर उसमें से कोई एलिमेंट हो कोई तत्व हो उस पर टिक कर देना ठीक है ठीक है मैंने आपको क्या बताया दोस्तों जितने भी कंपाउंड जितने भी यौगिक होते हैं ना वो आप लोगों के क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस होते हैं अब सर कंपाउंड यानी यौगिक किसको बोलते हैं कंपाउंड किसको बोलते हैं ध्यान से समझना जो कम से कम दो एलिमेंट से बना हो जो कम से कम दो तत्व से बना हो पहली इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो किसी बॉन्ड से जुड़ा हो बंद से जुड़ा हो दूसरी चीज तीसरी चीज दोस्तों जिनका रेशियो फिक्स हो जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं एच क्या ये कंपाउंड है क्या बिल्कुल सर क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ठीक है दोस्तों क्या इनके बीच में बॉन्ड होते हैं क्या बिल्कुल सर इनके बीच में बॉन्ड होते हैं बंद होते हैं बहुत बढ़िया तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या हमेशा ये वाटर के फॉर्मुले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, टू रेशन ही होगा क्या बिल्कुल सर हमेशा यही होगा तो इसको आप लोग बोलोगे कंपाउंड यानी यौगिक तो दोस्तों जितने भी आप लोगों के कंपाउंड होते हैं ना वो आप लोगों के क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस होता है, है. जैसे और एग्जाम्पल बताएंगे सीओ तो ये भी कंपाउंड है हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो वन रेशियो टू ही होगा दोस्तों आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिनिमम दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना बिल्कुल सर और बताओ एन सोडियम क्लोराइड यह सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है हमेशा रेशो वन रेशो वन ही होगा तो यह भी क्या है आपका कंपाउंड है दोस्तों सल्फर डाई ऑक्साइड यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन दो तत्व से मिलकर बना हुआ है हमेशा रेशो वन रेशो टू ही होगा ना तो ये भी कंपाउंड है तो समझ में आया क्या कंपाउंड किसको बोलते हैं और आप बताओ दोस्तों जिसके भी फॉर्मूले आप लोग लिख सको वो कंपाउंड है जैसे अमोनिया फॉर्मूला क्यों लिख पा रहे हो क्योंकि आपको पता है हमेशा आपका इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो वन रेशो थ्री होगा बार बार बदलेगा तो नहीं तो कंपाउंड हम लोग बोलते ही इसको है जिसका एक फिक्स रेशो होता है और दोस्तों क्या ये दो तत्व से मिलकर बना हुआ है क्या बिल्कुल तो ये आपका क्या है कंपाउंड है दोस्तों आ गया क्या समझ में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दो कि एलिमेंट और कंपाउंड में कोई डाउट तो नहीं है कमेंट करके आप लोग बता दो सर वीकली में दो सेशन कीजिए सर थ्योरी का अनमोल जी आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं क्या आप मैं तो वीक में पांच सेशन करता हूं मैं मंडे टू फ्राइडे नहीं सर मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं वो भी पांच ही करता हूं पेड कोर्स में ठीक है तो मैं जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो चुपचाप वो कर दो वो कर दो अगर सीरियस हो तो जुड़ जाओ ना यार भाई आप ही के लिए मेरे लिए थोड़ी आप मुझे बताओ आप ही के लिए आपके सिलेक्शन के लिए ये मैं आपको बोल रहा हूं कि दोस्तों मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं ये है आपकी साइंस आ जाओ आरपीएफ में कितना साइंस आता है आते हैं दोस्तों नौ दस क्वेश्चन आएंगे आराम से क्लियर है क्या ठीक है चले आगे आ जाओ तो कोई दिक्कत तो नहीं है अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए ठीक है तो एलिमेंट आप लोग किसको बोलते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंड किसको बोलते हैं समझ में आ गया होगा प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे जितने भी आप लोगों के एलिमेंट और कंपाउंड है ना वो आप लोगों के क्या होंगे प्योर सब्सटेंस होंगे ठीक है दोस्तों मिक्सचर आप लोग किसको बोलते हो दोस्तों अगर कोई फिक्स रेशियो ना हो जैसे मान लो पानी में मैंने घोला हल्दी पानी प्लस हल्दी तो क्या है ये तो दोस्तों क्या कोई फिक्स रेशो है क्या कि 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम हल्दी ही घुलेगी आप 30 ग्राम डाल सकते हो 35 ग्राम डाल सकते हो तो फिक्स रेशियो नहीं है तो ये एक मिक्सचर है दोस्तों मान लो पानी में आपने डाला क्या क्या डाला पत्थर के टुकड़े डाले तो क्या ये एक आपका प्योर सब्सटेंस है क्या नहीं सर क्योंकि ना ही एक एलिमेंट है ना ही कंपाउंड है तो पानी में पत्थर डाला सर इसको मिक्सचर बोलेंगे क्योंकि फिक्स रेशो नहीं है जरूर नहीं है सौ ग्राम पानी में चार ग्राम ही पत्थर डल ले दस ग्राम कितने भी डल सकते हैं कहानी क्लियर है आ रही बात समझ में ठीक है दोस्तों मिल्क दूध दूध आपको पता है ये एक पदार्थ है तो आपको बस ये बताना है ये मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है दोस्तों आप लोग बोलोगे कि सर मिल्क में रेशो फिक्स रहता है किसने बोला फिक्स रहता है गाय के दूध में अलग होगा भैंस के दूध में अलग होगा किस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा किसी में कम तो ये भी एक मिक्सचर है बहुत चीजों का मिक्सचर है वाटर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल ठीक है तो ये भी आपका एक मिक्सचर है आई बात समझ में आई क्या तो समझ में आ गई कि मिक्सचर किसको बोलते हैं और प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं बिल्कुल सर आ गया तो दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखना जितने भी एलिमेंट्स है ना एक इनमें से कुछ एलिमेंट है आपके है धातु है कुछ एलिमेंट आपके नॉन मेटल है अधातु है और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ आ, कुछ विशेषता आपके मेटल की होती है कुछ नॉन मेटल की होती है उसे आप लोग बोलते हैं मेटेलॉइड यानी उपधातु यानी एक तत्व में से दोस्तों आपके कुछ है मेटल कुछ है नॉन मेटल कुछ है मेटेलोइड ठीक है कंपाउंड की भी अगर हम लोग बात करें ध्यान रखिएगा कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता जैसे देखो इसमें कार्बन नहीं है इसमें आपका कार्बन नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो ऐसे आपके कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दोगे जिसमें पाया जाता है उसको ऑर्गेनिक बोल दोगे तो कंपाउंड आपका दो टाइप का होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर है क्या बात आ गई समझ में बात आ गई समझ में बताओ अरे बात आई या नहीं आई बात आई या नहीं आई आ गई ना ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं मिक्सचर की देखो मिक्सचर भी आपके दो प्रकार के होते हैं देखो मेरी बात को ध्यान से समझो जैसे आपने क्या किया पानी लिया पानी में आपने क्या घोल दिया अच्छे से नमक घोल दिया ठीक है ये एक मिक्सचर है आपको पता है क्योंकि जरूरत तो है नहीं सौ ग्राम पानी में दस ग्राम ही नमक डलेगा नहीं सौ ग्राम पानी में बीस ग्राम नमक डलेगा कोई फिक्स तो है नहीं तो ये एक मिक्सचर है दोस्तों जब आपने पानी में थोड़ा सा नमक डाला तो आप चाहे यहां का मिक्सचर देख लो चाहे यहां का देख लो चाहे यहां का देख लो चाहे यहां का देख लो सब जगह आपको एक जैसा नजर आता है क्या तो ऐसे मिक्सचर को आप लोग बोलते हैं होमोजीनियस यानी समांगी मिशन तो मिक्सचर आपके दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपका होमोजीनियस यानी समांगी ठीक है जो मैंने बताया अब एक काम करिए दोस्तों पानी में आप लोग क्या डाल दीजिए मिट्टी डाल दीजिए घोल दीजिए थोड़ी देर बाद में आप लोग देखते हो मिट्टी नीचे जमा होना शुरू हो जाती है यानी यहां का मिक्सचर आपको अलग नजर आएगा यहां का मिक्सचर आपको अलग नजर आएगा तो दोस्तों ऐसे मिक्सचर को आप लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी आ गया बात समझ में आ गई बात समझ में एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं सत्य विलियन के नाम से जानते हैं बहुत बढ़िया अब दोस्तों भी आपके दो टाइप के होते हैं एक होता है आप लोगों का कोलोइड एक होता है सस्पेंशन दोनों में अंतर क्या है बस जैसे मान लो कोलोइड में जैसे मान लो आपने पानी में कुछ डाला नमक डाला या कुछ भी डाला तो अगर दोस्तों इसके पार्टिकल्स आप लोगों के क्या है थोड़े छोटे हैं तो ये कोलोइड होगा और पार्टिकल अगर थोड़े बड़े बड़े हैं जैसे आपने पानी में अगर मिट्टी डालोगे तो मिट्टी के पार्टिकल दिख जाएंगे ना आपकी आंखों से तो अगर वो पार्टिकल किसी विश्व मांगे मिश्रण में अगर वो पार्टिकल सस्पेंडेड है बीच बीच में तो ऐसे आप लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलोगे सस्पेंशन बोलोगे क्लियर है क्या आगे बात समझ में आगे बात समझ में चीजें क्लियर है आ जाओ चलिए तो चलिए इसका आंसर बताइए अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ है दोस्तों आर आरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बताओ बताओ जल्दी से बताओ बताओ जल्दी से बताओ तो आपको मैंने क्या बताया सर जितने भी एलिमेंट यानी जितने भी तत्व है और जितने भी कंपाउंड यानी जितने भी यौगिक है सर सारे के सारे आपके क्या होंगे प्योर सब्सटेंस होते हैं तो मीथेन क्या है सी एच फोर क्या ये दो तत्व से मिलकर बना हुआ है क्या बिल्कुल क्या इसमें एलिमेंट का जो रेशो है वो आपका फिक्स है क्या बिल्कुल सर वन रेशो फोर ही होगा तो क्या है ये आपका प्योर सब्सटेंस है शुद्ध पदार्थ है आगे बात समझ में आ जाओ तो प्योर सब्सटेंस बोलते किसको ये मैंने आपको बता दिया जितने भी एलिमेंट जितने भी कंपाउंड है सारे के सारे प्योर सब्सटेंस है ठीक है आ, एलिमेंट आपके तीन टाइप के होते हैं मैंने बता दिया ये हमको जो समझना है ना वो क्या समझना है कंपाउंड मैंने आपको बता दिया क्या होता है मिक्सचर में आप लोगों को थोड़ा सा डाउट है तो मिक्सचर हम लोगों को है समझना है दोस्तों मिक्सचर आप लोग किसको बोलते हैं आपको मैंने बता दिया कि फिक्स रेशियो ना हो पहली बात तो है ना और एक चीज मैं बताऊं जैसे मान लो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपका बनता है एच टू ओ लेकिन दोस्तों इस एच को आप लोग बोल रहे हो कंपाउंड यानी यौगिक और दोस्तों जब भी कोई यौगिक होता है ना यौगिक जिससे जिससे मिलकर बना होता है किससे हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से तो इस यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विशेषता नहीं होती एच इसकी विशेषता बिल्कुल ही अलग होती है उनसे अलग होती है जिससे ये मिलकर बना हुआ है जबकि मिक्सचर में क्या होता है जैसे मान लो मिक्सचर में आपने ना नमक में मिलाई चीनी तो ये एक मिक्सचर है ना क्योंकि कोई रेशियो तो फिक्स है नहीं अब आप मुझे बताओ जब आप ये मिक्सचर खाओगे तो आपको खारा भी लगेगा मीठा भी लगेगा यानी मिक्सचर में दोस्तों उसके संगठक मतलब जिन जिनका वो मिक्सचर है ना उसके भी गुण मिलेंगे मिक्सचर में ध्यान रखिएगा क्लियर है क्या आ जाओ चलिए मिक्सचर आपके दो प्रकार के होते हैं होमोजिनियस हेट्रोजिनियस है, मैंने आपको बता दिया बिल्कुल वही चीज है कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है बस ये ध्यान रखना हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है एक कोलोइडल एक सस्पेंशन अंतर दोस्तों बहुत छोटा है दोस्तों देखो आपने क्या डाला पानी में आपने क्या डाला नमक डाला नमक अच्छे से घुल गया आपको देख ही नहीं रहे तो अगर दोस्तों वो पार्टिकल्स का साइज बहुत कम है तो इसको आप लोग बोलोगे होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन सत्ते विलियन अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा ज्यादा है है ना तो इसे आप लोग बोलोगे कोलोइडल और अगर पार्टिकल का साइज और भी ज्यादा है तो उसको आप लोग बोलोगे सस्पेंशन ठीक है बाकी बेसिक डिफरेंस मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है ठीक है आजा। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे जो कोलोइड होते हैं ना वो आप लोगों के अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे हो सकता है कहीं में आपको ने लिक्विड में लिक्विड मिलाया हो कहीं पर हो सकता है आपने लिक्विड में सॉलिड मिलाया हो तो इस आधार पे अलग अलग नाम है ठीक है तो एक तो आप लोगों का ये है किसमें मिलाया किसमें किसमें मिलाया और एक किसको मिलाया तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जब आप लोग लिक्विड में लिक्विड को मिलाते हो तो जो कोलोइड बनता है ऐसे कोलोइड का नाम है इमल्शन यानी पायस ठीक है जैसे इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा एक एग्जाम्पल एक ध्यान रखो मिल्क दूध जो पूछा जाता है क्योंकि तो मिल्क बेसिकली वाटर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इन सबका मिक्सर है और ये सभी आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है तो लिक्विड में लिक्विड मिलाया ना कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप लोग लिक्विड में सॉलिड मिलाते हो तो जो आप लोगों को मिलता है ये कोलोइड इसका नाम है सॉल्ड अगर आप लोग लिक्विड में गैस मिलाते हो कोई तो ये जो आपका बनेगा कोलोइड उसका नाम है फोम अगर सॉलिड में सॉलिड मिलाते हो तो उसको बोलते हो सॉलिड सॉल अगर सॉलिड में लिक्विड मिलाते हो तो उसको बोलते हो सॉलिड इमल्शन सॉलिड में गैस मिलाते हो तो बोलते हो सॉलिड फोम गैस में सॉलिड मिलाओगे तो बोलोगे सॉलिड एरोसोल गैस में लिक्विड मिलाओगे तो बोलोगे लिक्विड एरोसोल जैसे दोस्तों अगर आपसे मैं पूछू लिक्विड एरोसोल का एग्जाम्पल बताओ दोस्तों फॉग आप कोई मुझे बता सकते हो कि फॉग यानी कोहरा सर्दियों के दिनों में जो देखने को मिलता है वो कैसे आपका लिक्विड एरोसोल है लिक्विड एरोसोल बनता कैसे है सर गैस में जब लिक्विड मिलता है तो दोस्तों जो एयर होती है ना इसमें जब आप लोगों की वॉटर की ड्रॉपलेट मिल जाती है ना तो ये आप लोगों का दोस्तों क्या होता है फॉग यानी कोहरे का निर्माण होता है क्लियर है क्या क्लियर तो ये आप लोगों को बस नाम ये ध्यान रखने हैं ठीक है अब हम लोग बात करते हैं मिश्रण प्रथक्करण की विधियां दोस्तों अलग अलग विधियां है जिससे आप लोग मिक्सचर को अलग कर सकते हो जैसे मैंने बोला कि पानी प्लस नमक क्या ये मिक्सचर है क्या बिल्कुल तो तो इस नमक को कैसे अलग किया जाए? पानी को कैसे कैसे अलग 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 किया किया जाए जाए तो पानी दोस्तों इसका इसका मैं एक एक से वीडियो बना दूंगा आपका एक छोटा सा पार्ट इसका हुआ है, है ना टोटल मेरे पास हमारे पास में आठ मेथड है तो इन आठ मेथड के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं ये एक छोटा सा अलग से मैं वीडियो बना दूंगा पंद्रह मिनट का क्लियर है आगे बात समझ में तो ये पहला चैप्टर अपना पूरा हुआ दोस्तों क्लास का टाइमिंग ध्यान रखो डेली सुबह दस बजे होता है मंडे टू फ्राइडे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं सैटरडे को मैं थ्योरी का आप लोगों को वन शॉर्ट वीडियो करवाता हूं दोस्तों अब आ जाओ पेड कोर्स की बात कर लो बीच बीच में बोलते रहते हो तो कैसे लो दोस्तों देख लो ये है कंटेंट पेड कोर्स में केमिस्ट्री आप लोगों की हो चुकी है बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है सर केमिस्ट्री जो हो चुकी है कोई दिक्कत की बात नहीं है जो भी क्लास आप मिस करते हो प्रॉपर आपको सीक्वेंस में मिलती है कहीं कोई दिक्कत नहीं आती बायोलॉजी अभी आप लोग चल रहा है बायोलॉजी जस्ट स्टार्ट हुआ है फिर हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे आप लोग देख सकते हो कंटेंट मतलब मैं आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बताता हूं चाहे आप लोग एलपी का दे लो टेक्निशियन का दे लो जेई का दे लो ग्रुप डी का दे लो आरपीएफ का दे लो एक बार साइंस पढ़नी जीवन में वापस नहीं पढ़नी फाउंडेशन बैच है दोस्तों हर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंट चारों सब्जेक्ट करेंगे लाइव क्लास होती है डेली दोपहर एक बजे आपका एनसीआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट कवर है हर चैप्टर के आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक साल की वैलिडिटी है और साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है दोस्तों पीडीएफ भी आप लोगों को मिलती है ज्वाइन कैसे करना है प्ले स्टोर पर जाइए साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब जाओगे तो सबसे ऊपर नंबर वाला है इसको आप लोग खोल दीजिएगा जब आप लोग क्लिक करेंगे बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट आप लोग कर दीजिएगा क्लियर है क्या और ध्यान रखिएगा कल संडे है कल सुबह दस बजे आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास होने वाली है थैंक यू सो मच